हे गाइस गुड इवनिंग। आपको पता होगा मैं अभी बड़े में हूँ दोस्तों, और अभी हम लोग ना घूमने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ का जो बीजू पार्क है वहाँ पे जो शिव जी का स्टैचू है बहुत ही बड़ा है और तालाब के बीचों बीच है, तो वो मुझे देखना है। तो दोस्तों चलिए चलते, नहीं तो लाइट कम हो जाएगा। अभी इवनिंग का टाइम है क्योंकि ड्रोन शॉट भी लेना है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ रास्ते में। दोस्तों जब हम बड़े आने के बारे में प्लान कर रहे थे, तभी से मैंने सोच के रखा था कि मुझे बड़े का बिजू पार्क को जाना है, क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पे बहुत बड़ा शिव जी का स्टैचू है, तो वो मुझे देखना है। तो दोस्तों चलिए साथ में देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं यहाँ का बीजू पार्क में। एंट्री फीस वगैरह कुछ यहाँ पे नहीं लगता है, और एक छोटा सा पार्क है, फिटनेस पार्क टाइप का, जॉगिंग वगैरह चलने फिरने के लिए यहाँ पे है। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है ना, जो शिव जी का यहाँ पे स्टैचू है, वो मैं देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो आपको भी दिखा देते हैं। ये देखिए ड्रोन शॉट भी आएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही बड़ा पार्क है, पूरा चारों साइड में ऐसे जॉगिंग करने के लिए है, स्पेस है। अगर आप बनई से हो तो आ सकते हो यहाँ पे आप जॉगिंग करने के लिए। मैं आपको बता दूँ, पहले यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता था, लेकिन अभी बंद हो चुका है, मेंटेनेंस के चलते बंद हुआ है शायद, पता नहीं। लेकिन मैंने भी एक दो वीडियो देखा था, यहाँ पे बोटिंग भी हो रहा था, तो मैं सोच रहा था जब भी आऊँगा यहाँ पे बोटिंग भी करेंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बंद हो गया है। और दोस्तों देखिए वहाँ पे जो दिख रहा है आपको लाइट जैसा कुछ, देखिए इससे दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन वहाँ से ना क्या होता था पहले लाइट, जैसे आपका राहुल कला में वाटर डांस नहीं होता है वैसा, पानी निकलता था और वहाँ से लाइट निकलता था, तो ऐसा कुछ बात है। और दोस्तों आगे जो दिख रहा है आपको टावर जैसा दिख रहा है, वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, तो वहाँ पे भी जाएंगे और देखेंगे। तो दोस्तों हम तो लेट से निकले, इसके चक्कर में जल्दी जल्दी भाग दौड़ करना पड़ रहा है, तो आपको पूरा अच्छे तरह से दिखाता मैं। लेकिन आगे ना दोस्तों नदी है, और नदी के पास में एक वॉच टावर टाइप का एक्चुअली व्यू पॉइंट है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छतु है, मशरूम क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, हम छतु बोलते हैं। यहाँ पे नीचे आप बैठ सकते हो, ठीक है। और यहाँ से रास्ता डिवाइड होता है, एक जाता है जो व्यू पॉइंट की तरफ, और दूसरा जो है जो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए उस साइड है। तो पहले चलते हैं जो वॉच टावर व्यू पॉइंट है उस साइड में, चलो चलो जल्दी चलो। और दोस्तों देखिए जो व्यू पॉइंट के बारे में मैं आपको बोल रहा था वो रहा ये, बारिश के टाइम में जब नदी पे बाढ़ आता होगा तो यहाँ से ना जो व्यू अभी जो दिख रहा है उससे पूरा दुगना अच्छा दिखता होगा। बड़ाई के अंदर दोस्तों ये एक ही पार्क है, इकलौता पार्क है, तो किसी का बर्थडे हो गया तो यहाँ पे आके केक वगैरह काटने के लिए पूरा एकदम सही जगह है। तो यहाँ पे आते हैं लोग, केक वगैरह कटिंग करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे आके टाइम पास हैंग आउट करने के लिए। तो लेकिन आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आके आप यहाँ पे गंदगी मत फैलाएगा, और ये मेरा एक रिक्वेस्ट। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, देखिए यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये वॉच टावर टाइप का यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ आप आके मस्त केक वगैरह कटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोल रहा था यहाँ पे केक वगैरह भी कटिंग करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो वहाँ पे देखिए एक स्टिकर पड़ा हुआ है हैप्पी बर्थडे का, देखिए वहाँ पे ललई ब्रिज उस साइड होके जाते हैं खंडाधार। और जी देखिए अभी हम लोग आ गए हैं वॉच टावर के तरफ से, जैसे मैंने आपको दिखाया था मशरूम छतु जो भी आप बोलते हो, उस साइड से हम लोग अभी जा रहे हैं जो है फिटनेस पार्क। और संध्या का देखिए अभी तक काम चल रहा है, अभी तक काम चल रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, ये देखो नेट खत्म कर देते हैं। क्या करते हो जी इतना नेट, आपके लिए जियो फाइबर लगाएं क्या? हाँ हमेशा रील्स देखते हैं, रील्स, टिकटॉक बंद हो गया, बैन हो गया, तो और कुछ काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, यूट्यूब में कुछ सीखते नहीं है, मेरा दिमाग खराब करते हैं हमेशा, ये कैसे करे वो कैसे करे, अब ये कर बात दिमाग खराब। लोग पहुंच चुके हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और ये रहा सीट पुलर, यहाँ पे आप बैठ के एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। क्यूट क्यूट बच्चे यहाँ पे लगे पड़े हैं, अब कहना तो ना अरबपोई, अच्छा अरबपोई। और ये देखिए दोस्तों बच्चों वाले हरकत कर रहे हैं संध्या और भाभी जी यहाँ पे, वो भी स्वेटर पहने, संध्या तो स्वेटर पहन के एक्सरसाइज कर रहे चलो अच्छा अच्छा ओचे ओचे
তুমি জি পারো পুলিশ তো জি পারো তো পুলিশ তো জিগো और देखिए सनसेट होने वाला है। सो आपको तो मैंने दिखा दिया, अभी यहाँ से थोड़ा ड्रोन शॉट लेते हैं, ठीक है। सो जी अभी एंजॉय कीजिए आप यहाँ का ड्रोन शॉट। Thank you.